एंड द लीस्ट वे, कोई पढ़ा नहीं उसको। अगर आपको पढ़ना चाहते हैं आप पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया में जाइए, या हम पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया ने इस मटेरियल को दिल्ली चलो.in पे भी लगाया समरीज के साथ, मेन रिकमेंडेशन क्या है हर वॉल्यूम का, मेन रिकमेंडेशन क्या है सब है। उसका पहला वॉल्यूम, पहला रिपोर्ट 2004 दिसंबर में पार्लियामेंट में डाला था, जब हमारा किसान सुपरमैन शरद राव पवार जी कृषि मंत्री रहा, और रिपोर्ट नंबर 5 का दूसरा वॉल्यूम, लास्ट रिपोर्ट ऑफ द फार्मर्स कमीशन, राष्ट्रीय किसान आयोग जो सही नाम है स्वामीनाथन कमीशन का, लास्ट रिपोर्ट अक्टूबर 2006 में दिया पार्लियामेंट में, तब भी शरद राव जी कृषि मंत्री रहा। अभी 14 साल में एक घंटा नहीं मिला उसको डिस्कस करने के लिए। जब जीएसटी आया एक हफ्ते के अंदर आपने प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को बिठा के आपने मिडनाइट स्पेशल सेशन जॉइंट बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, आपको टाइम मिल गया। जो रिफॉर्म कॉर्पोरेट लोग का लिया था और छोटा स्मॉल एंटरप्राइजेस माइक्रो एंटरप्राइजेस कोलैप्स हो रहा है उसकी वजह से 14 साल में आपको एक घंटा नहीं मिला स्वामीनाथन रिपोर्ट, राष्ट्रीय किसान आयोग रिपोर्ट डिस्कस करने के। तो हम कह रहे हैं कि अगर आप 3 हफ्ते का स्पेशल सेशन करेंगे, 3 दिन आप डिस्कस करो, 3 दिन आप डिस्कस करो राष्ट्रीय किसान आयोग का, 3 दिन लेके ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी ने जो बिल लाया एमएसपी के ऊपर और कर्जा मुक्ति से, वो पास होना चाहिए। फर्स्ट लेजिस्लेशन in the name of farmers it has to be passed in that. 3 दिन और लीजिए पानी की संकट डिस्कस करने के लिए। How many of us know that Maharashtra's situation is going to be terrible in the next 2 years? Already is bad. Why? Because central government has revised the drought manual of 2016. 2016 का ड्राउट मैन्यूअल रिवाइज करके पावर ऑफ डिक्लेयरिंग ड्राउट पूरा राज्य सरकार के हाथ से निकाल के केंद्रीय सरकार के हाथ में डाल, और उसमें ऐसा एक प्लान बनाया जो क्रॉप एस्टिमेट और ड्राउट एसेसमेंट का दे हैव डीलिंग। पहले जब हम ड्राउट कैसा डिसाइड कर रहा था, गांव गांव में जाके आने वाली पैसे वाली 50% से कम किया, हाँ इस गांव सूखा में है। 2016 दिसंबर में मोदी साहब ने खुद एक अकाल का महाभारत लिख लिया, उसमें इतना जागरण है कि कोई 100 बार पढ़ना है पेज समझने के, लेकिन उसने इतना निश्चित किया, इतना निश्चित किया। तो उसके बाद क्वेश्चन आंसर है, लेकिन 3 दिन अब मेगा वाटर क्राइसिस, सिर्फ ड्राउट नहीं है देश में, मेगा वाटर क्राइसिस, डाइवर्शन ऑफ वाटर एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री, विलेज टू सिटी, फूड क्रॉप टू कैश क्रॉप, लाइवलीहुड टू लाइफस्टाइल। टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रियंका कटोलकर रिपोर्टर, प्रियंका कटोलकर 2 आरटीआई किया 2016 में 2017 जिससे आपको पता लगता है कि महाराष्ट्र में नगरी महाराष्ट्र को ड्रिंकिंग वाटर 400% ज्यादा मिलता है ग्रामीण महाराष्ट्र से। क्या कितना परसेंट? 400%। क्या गांव वाले का प्यासा कम नहीं है? तो काम कम करते हैं क्या फिजिकल एफर्ट? 400 करोड़ इसलिए कि हमने डाइवर्ट किया लाइवलीहुड से लाइफस्टाइल को, पानी डाइवर्ट किया। मुंबई में
बोरीवली में बिल्डिंग जा रहा है क्वारिया ग्रांडे 150 फ्लैट्स, हर फ्लैट में एक स्विमिंग पूल, प्राइवेट बालकनी, स्विमिंग पूल। अब जाके देखिए एडवर्टाइजमेंट है उसका, और हर जगह ऐसा है, पुणे में भी है, 12th floor कोरेगांव पार्क में एक बिल्डिंग है। आप डाइवर्ट कर रहे हैं लाइवलीहुड से लाइफस्टाइल, नगरी से ग्रामीण से नगर, नगरी को फूड क्रॉप से कैश क्रॉप को, और एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री, जैसा मावल में हुआ और फायरिंग हुआ, 5 किसान मर गया 2011 में, बिकॉज दे वर रेजिस्टिंग द वाटर बीइंग ट्रांसफर्ड टू इंडस्ट्री इन तिपरी छिंचवा। तो 3 दिन आप ये डिस्कस करो, 3 दिन, और मुझको, मेरे लिए ये बहुत क्रूशियल 3 दिन है, कोई इसको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। 3, मैं आपको कह रहा हूं, यू डू नॉट हैव अ चांस ऑफ सॉल्विंग योर एग्रेरियन क्राइसिस सीरियसली अनलेस यू एंगेज विद दोस हु डू द मोस्ट वर्क इन एग्रीकल्चर। जब तक आप महिला किसान का राइट्स और एंटाइटलमेंट्स आप नहीं लेंगे सामने, you have no chance and no hope of solving the agrarian crisis. और वैसे दलित किसान और आदिवासी किसान, आदिवासी किसान का वो फॉरेस्ट राइट्स है, दलित किसान, किसी भी दलित किसान के पास पट्टा नहीं मिलेगा। लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, सरकार का जमीन जो देते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन, उसको भी पट्टा नहीं देते, हमेशा इनसिक्योरिटी में रहते हैं। और अभी महिलाओं